मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक कंपनी के अंदर मैं गया, उन्होंने बुलाया कि सर आइए और हमारे बिजनेस को डेवलप करने में हमारी हेल्प कीजिए। मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि दो भाई हैं, एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर चला रहे हैं और उनका बहुत अच्छा नाम भी है उस एरिया में, कस्टमर का फुटफॉल भी बहुत अच्छा है और लगभग 35 साल पुराना उनका बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। उनका बिजनेस तो हो रहा था लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि सर हम जितना ग्रोथ कर सकते हैं उतना नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमने एक बार उनके स्टोर की विजिट की। जब स्टोर की विजिट की तब पता चला कि उनके वहां पर ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो नहीं चलती है या फिर बहुत कम चलती है, फिर भी उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखा है। और कई सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो उनके वहाँ पे 6-6 महीने या फिर लगभग साल भर से वहाँ पर पड़े हुए हैं और उसका कोई भी खरीदार अभी तक नहीं मिला। जब हमने ये सारी चीज़ें देखी और दूसरी चीज़ कि उनके वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी, कौन सा बंदा क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या नियम है, वो कुछ भी उनके वहाँ पर नहीं था। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद समझ में आया कि उनका बिजनेस एक्चुअल में कहाँ पर दिक्कत कर रहा है, क्यों उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उनको बोला कि सर एक लिस्ट बनाइए उन प्रोडक्ट की कि जो प्रोडक्ट आपके वहां पर ज्यादा समय से पड़े हुए हैं, मतलब कि डेड स्टॉक की उनकी लिस्ट बनाई। दूसरी लिस्ट बनाई, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसके आपके यहाँ पर बहुत कम खरीदार आते हैं, मतलब कि स्लो मूविंग प्रोडक्ट कौन सी है। तो जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट थी और जो डेड स्टॉक थी उसके लिए हमने एक अलग स्पेस करवाया और उस जगह पर उसको सही तरीके से डिस्प्ले करके हमने मार्केटिंग की कैंपेनिंग स्टार्ट की कि जहां पर हमने बताया अप टू 50% ऑफ, मतलब कि 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये ऑफर है 1 महीने तक की। रिजल्ट ये आया कि उन्होंने जब इस एक्टिविटी को शुरू किया तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उनका डेड स्टॉक जो है वो क्लियर हो गया, स्लो मूविंग जो प्रोडक्ट थी वो भी क्लियर हो गए। अब इससे उनको बेनिफिट क्या हुआ, सबसे पहला कि जो उनका कैश फंसा था डेड स्टॉक के अंदर या फिर स्लो मूविंग प्रोडक्ट में, वो कैश उनके पास में आ गया। तो उस कैश का उपयोग सबसे पहले वो कर सकते हैं कि उनके वहां पे जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है उसका स्टॉक बढ़ा सकते हैं। दूसरा, वो मार्केटिंग के लिए और भी एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तीसरा, वो अपने आप को और फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक डिसीजन लेने से, सिर्फ एक डिसीजन लेने से उनका पूरा बिजनेस 360 डिग्री एंगल पे चेंज हो गया और आज वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। शायद अगली केस स्टडी आपकी भी हो सकती है। तो मैं खाली आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग 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 हमने बहुत कर ली ट्रेनिंग, लेकिन अब बारी है ग्रोथ करने की। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के पीछे आपने बहुत सारा पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मेरी ट्रेनिंग का मुझे उतना फायदा नहीं मिला, मैं जानता सब हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप एक बार हमें बुलाइए, क्योंकि हमारा जो काम है वो है इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि जानते तो आप हैं ऑलरेडी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिजनेस में आएं और आपको ये बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, साथ में हम आपके साथ वो मिलकर करें भी जिससे आपका बिजनेस ग्रो करे, तो आप गुरुकुल को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम द इम्प्लीमेंटेशन स्कूल हैं। हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, हम आपके वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें। थैंक यू।